ITC, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, TCS, कौन सा स्टॉक सही है इन्वेस्ट करने के लिए? इंडिया में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और ये सवाल आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कि इतनी सारी कंपनीज़ में मैं किस में इन्वेस्ट करूं? तो आपके इस डिसीजन को आसान बनाते हैं फाइनेंशियल रेशियोज़, जिसके बारे में हमारी आज की वीडियो भी है। फाइनेंशियल रेशियोज़ किसी भी कंपनी की हेल्थ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनको आप किन्हीं दो कंपनी को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फाइनेंशियल रेशियोज़ के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई वर्क इन द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स टीम एट स्मॉल केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। समझते हैं सबसे पहला पॉइंट कि फाइनेंशियल रेशियोज़ होते क्या हैं। तो जिस तरीके से आपकी एक ब्लड रिपोर्ट होती है, उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, उसमें आपका प्लेटलेट काउंट्स होता है, उसमें आपका शुगर लेवल होता है, सिमिलरली और भी पैरामीटर्स होते हैं, बट ये कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी चल रही है। सिमिलरली फाइनेंशियल रेशियोज़ एक किसी कंपनी की हेल्थ बताते हैं कि वो कंपनी कैसी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कंपनी को फाइनेंशियल रेशियोज़ के पैरामीटर्स को यूज़ करके जज कर सकते हैं, सिमिलरली जैसे कि आप ब्लड रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल से ये पता लगा सकते हैं कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। ना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी कंपनी की हेल्थ को मेजर करने के लिए, उसको जज करने के लिए कि वो कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब है, उसको एक रेलिवेंट बेंचमार्क के साथ हमेशा बेंचमार्क किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया की ओवरऑल हेल्थ मेजर करने के लिए देर आर टू बिग इंडेक्सेस, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30। तो ये दोनों इंडेक्सेस मेजर करते हैं, ट्रैक करते हैं द लार्जेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स ऑफ इंडिया, और ये ओवरऑल मेजर करते हैं कि इंडिया की हेल्थ, इंडिया की इकोनॉमी कैसी बिहेव कर रही है। सो यहीं पे किसी भी फाइनेंशियल रेशियोज़ को, अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो को निफ्टी या बीएसई सेंसेक्स से कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो कंपनी की हेल्थ ओवरऑल इकोनॉमी के हेल्थ के कंपेरिजन में कैसी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप उन फाइनेंशियल रेशियोज़ को यूज़ करके किसी भी कंपनी को उसकी खुद की इंडस्ट्री में भी कंपेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक्स की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब कंपनीज़ के लिए NPAs, विच इज़ कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर होता है। तो अगर आप ये देखते हैं कि NPA एक्सिस बैंक के लिए 10% है, तो खाली इसके बेसिस पे डिसीजन लेना कि एक्सिस बैंक अच्छी कंपनी है या ख़राब कंपनी है, ये गलत होगा। आपको बाकी बैंक्स के भी NPAs चेक करने पड़ेंगे, और अगर एक्सिस बैंक का NPA सबसे कम है तो दिस मीन्स के वो कंपनी अपनी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कंपनी है। सो और दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि फाइनेंशियल रेशियोज़ जो हम आज बात करेंगे, खाली उन्हीं के बेसिस पे आपको ये जज नहीं करना चाहिए कि ये कंपनी मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं। और भी फाइनेंशियल रेशियो, जस्ट लाइक आपकी ब्लड रिपोर्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इज़ जस्ट वन ऑफ देम। सिमिलरली जो हम आज फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात करेंगे, वो बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ में कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप इनको एक बार देख सकते हैं, पर खाली इनके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। सो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि देर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज़ अवेलेबल इन द मार्केट, तो इतने सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ को हम ब्रॉडली इन 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है लिक्विडिटी रेशियोज़ की। लिक्विडिटी फाइनेंशियल रेशियोज़ वो रेशियोज़ हैं जो आपको हेल्प करते हैं, ये बताते हैं कि कंपनी शॉर्ट टर्म में अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए कितनी एबल है, कितनी काबिल है। ये आपको और ये भी बताते हैं कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कितना अफेक्टिव है अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। दूसरी रेशियो की बात करते हैं, उनको बोलते हैं टर्नओवर रेशियोज़। टर्नओवर रेशियोज़ में वो रेशियोज़ आते हैं यूजली जो आपको ये बताते हैं कि कोई भी कंपनी अपने एसेट्स या अदर अकाउंट्स को कितनी जल्दी और कितनी अच्छे से सेल्स और फ्री कैश फ्लोज में कन्वर्ट करने की काबिलियत रखती है। थर्ड काइंड के फाइनेंशियल रेशियो हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ आपको हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि किसी भी कंपनी की प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है। ये रेशियो आपको इसमें भी हेल्प करेगा कि अगर आपको जानना है कि कोई कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है, उसमें भी ये रेशियो आपको हेल्प करते हैं। फोर्थ काइंड ऑफ रेशियो था सॉल्वेंसी रेशियो। ये रेशियो आपको बताते हैं कि कंपनी कितनी काबिल है अपने लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। यूजली लॉन्ग टर्म इज़ मोर देन 1 ईयर, तो अगर कोई लोन उस कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट 1 साल के बाद यानी कि 2 या 3 साल बाद ड्यू है, तो ये रेशियो आपको उसमें हेल्प करेंगे वो कितनी एबल है उस ड्यू को क्लियर करने के लिए। द फिफ्थ एंड द लास्ट काइंड ऑफ रेशियोज़ आर वैल्यूएशन रेशियोज़। वैल्यूएशन रेशियोज़ ये बताते हैं किसी भी कंपनी के बारे में कि वो कितनी अट्रैक्टिव है एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ।
तो जिस तरीके से हमने अभी फ्रेंड्स कैटेगराइज किया सारे रेशियोज़ को 5 कैटेगरीज में, अब उन 5 कैटेगरीज से हम टॉप फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे जिसको आप यूज़ करके किसी भी कंपनी की हेल्थ मेजर कर सकते हैं. सो पहले रेशियो के बारे में बात करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो. ये सॉल्वेंसी रेशियो है एक, और ये रेशियो आपको बताता है कि कंपनी का टोटल डेट उसके टोटल इक्विटी के लेवल में कितना है. सो एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. सो एग्जांपल कि अगर टोटल एसेट्स कंपनी के 100 रुपीज़ हैं, उसमें से कि 50 अगर डेट है और 50 इक्विटी है, तो कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस टोटल डेट और इक्विटी इक्विवेटेड में फाइनेंस किए हैं. तो यहाँ पे डेट और इक्विटी का रेशियो जो है वो 50/50 जो 1 हो जाएगा आपका. सिमिलरली कुछ कंपनी ऐसी होगी जिसका रेशियो मे बी डेट 80 है और इक्विटी 20 है, तो उनका 80/20 विच इज़ 4 हो जाता है. तो डेट टू इक्विटी रेशियो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं डेट को इक्विटी से डिवाइड करके. तो अब इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं कि इस रेशियो को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं. सो जब आपने किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल लिया है, तो जनरली जो लोअर डेट टू इक्विटी रेशियोज़ होते हैं वो बेटर माने जाते हैं, बिकॉज उसका मतलब ये होता है कि कंपनी की डेट रीपेमेंट कैपेसिटी काफ़ी बेटर है, और सिंस उसकी बुक्स पर डेट कम है तो जो भी उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो भी कंपेरेटिवली लेस होगा. सो फाइनेंशियली इट्स प्रिटी सिक्योर, यहाँ पे काफ़ी सिक्योर है वो फाइनेंशियली कंपनी. दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी जानने के लिए है कि क्रेडिटर्स को एक फेथ होता है कि कंपनीज में, कि सिंस उसका डेट लेवल कम है तो वो अपने डेट कैपेसिटी को अच्छे से फॉलो कर सकती है और अच्छे से रीपे कर सकती है अगर कोई भी कैलामिटी आती है. तो यहीं पे जिन कंपनीज़ का डेट लेवल ज़्यादा होता है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर इकोनॉमी या अच्छी नहीं चल रही है या वो साइक्लिकल बिजनेस में है, तो यहाँ पे हो सकता है वो अपने डेट को रीपे ना कर पाए और डिफ़ॉल्ट कर जाए. सो आपने देखा होगा बहुत सारे डिफ़ॉल्ट केसेस आजकल इंडियन मार्केट्स में हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल IL FS ने डिफ़ॉल्ट किया था लास्ट सितंबर में. सो दिस मींस कि अगर वो डेट ही नहीं रीपे, अपना इंटरेस्ट ही नहीं रीपे कर सकते, जैसे रीसेंट वेरी रीसेंट एग्जांपल इज एल्टिको कैपिटल, वो 20 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट अपना मिस कर दिया. सो अगर ऐसी कंपनीज हैं जो अपना डेट इंटरेस्ट पेमेंट नहीं रीपे कर पा रही हैं, तो ये तक अच्छी नहीं मानी जाती हैं कंपनीज, और इनका ऐसी और भी कंपनीज हैं जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो हमें इसलिए देखना पड़ता है. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रेशियो इंडस्ट्री में कंपेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल जनरली टेक्सटाइल, सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें नीड होती है ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग की एज कम्पेयर टू इक्विटी. यहीं पे फूड, आईटी कंपनीज जैसी जो हैं, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली कम होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड्स नहीं है उतनी डेट को डेट से फाइनेंस करने की. तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे. तो फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डेट टू इक्विटी रेशियो अराउंड 40% है, वर्सेस इंडस्ट्री विच इज़ इंडस्ट्री एवरेज विच इज़ अराउंड 65-70%. तो यहाँ पे रिलायंस ने कम डेट यूज़ किया है एज कम्पेयर टू इक्विटी अपनी खुद ही की इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क, एज कम्पेयर टू इज पीयर्स. सो यहाँ पे एज यू कैन सी कि रिलायंस हैज़ फाइनेंस इज बिजनेस एंड इज ग्रोथ ऑपरेशंस यूजिंग लेस डेट, और इसलिए रिलायंस कम रिस्की है, बिकॉज वो अपने डेट जब भी उसका ड्यू होगा तो वो केपेबल है ज़्यादा उसको बेटर रीपेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट्स. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का. हिंदुस्तान यूनिलीवर वर्क्स इन FMCG कंपनी, और उसका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट जीरो है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री विच इज़ अराउंड 20%. सो हाँ फ्रेंड्स, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है एक बात कि कंपनीज़ का डेट जीरो हो सकता है, और अगर डेट जीरो है तो उसके पूरे के पूरे ऑपरेशंस इक्विटी से फाइनेंस किए गए. सो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा एग्जांपल से कि बोथ रिलायंस एंड HUL वेरी गुड स्टॉक्स, दे हैव परफॉर्म्ड वेरी गुड ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, बट रिलायंस के पास डेट है और HUL के पास डेट नहीं है. तो ये ज़रूरी नहीं है हमेशा कि डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका ज़्यादा है वो कंपनी हमेशा खराब होती है, खराब परफॉर्म करेगी. ये रेशियो इंडस्ट्री स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए इसको एज अ बेंचमार्क यूज़ करें. तो रिलायंस का हमने जैसे इंडस्ट्री बेंचमार्क से कंपेयर किया था, और HUL का उसके इंडस्ट्री से बेंचमार्क से यूज़ किया था, तो और हमने देखा था कि दोनों के रेशियोज़ उनके इंडस्ट्री बेंचमार्क से कम है, और किस तरीके से दोनों ही कंपनीज़ ने पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है. लेकिन हम कभी भी रिलायंस और HUL को एक साथ कंपेयर ना करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज उनके इंडस्ट्रीज अलग हैं, उनकी इंडस्ट्री डायनेमिक्स अलग हैं, तो उनकी डेट रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, और इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो अलग अलग निकल गया था. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करी. इस फाइनेंशियल रेशियोज वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोज़ में हम 4 रेशियोज और कवर करेंगे, जो है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, PE रेशियो और फ्री कैश फ्लो टू सेल्स रेशियो. सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।